स्वागत है आपका डाबरा न्यूज 24 चैनल में। जनपद गोरखपुर के विकास खंड बढ़लगंज के बीच आज उपस्थित हूँ। आपको बताते चले कि खरेसड़ी के जस्ट पीछे जो सिवान है वहाँ पे एक दर्दनाक मौत हुआ है। दर्दनाक हादसा कहें यूँ कहें, क्योंकि जो मौत हुआ है धार धार हथियार से हुआ है। और अभी लगभग सुबह में जब यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं अपने शौच के लिए या फिर अपने काम योजनाओं के लिए जा रहे थे, उस दौरान ये डेड बॉडी देखा गया। उसके बाद से प्रशासन को सूचित किया गया, क्योंकि जो मौके पे एसपी साउथ भी मौजूद रहे यहाँ पे, और इसके बाद से सीओ महोदय भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि जो ये दृश्य रहा इस घटना का, ये काफ़ी दिल दहलाने वाला घटना रहा। दूसरा चीज़, इसके बाद इस संदर्भ में हम मौके पे भी अभी कुछ ही क्षणों में आपके आप तक वीडियो पहुंचाने का काम करेंगे और आपको दिखाएं कि यहाँ पे इस जगह पे, इस मेन चक रोड पे लोगों को थोड़ा सा भी डर नहीं लगा कि कत्ल कैसे करें। क्योंकि देखिए, बीच खेतों के बीच जो मेन चक रोड है, चक रोड पे डेड बॉडी मिला है। और डेड बॉडी का जो सिर था वह दक्षिण साइड था और जो उसका पैर था वह उत्तर दिशा में था। इतना बड़ा हादसा करते हुए भी लोगों के दिलों में कंपन नहीं हुआ। अभी कुछ ही क्षणों में हम इसके बाद वाली वीडियो अपलोड करते हैं। कैमरामैन के साथ मैं प्रदीप यादव। इसकी सूचना मौके पर ही पाते ही एसपी साउथ और सीओ महोदय तुरंत इसकी शिनाख्त में पहुंच गए। चारों तरफ से गांव वाले भी आ गए इस सूचना को देखने के लिए। दूसरी चीज़ें, पुलिस प्रशासन जुटी हुई है कि भाई जो यहाँ का टावर लगा हुआ है, टावर में सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं है, उस सीसीटीवी कैमरे को देखने के लिए पुलिस प्रशासन जुटी हुई है कि सीसीटीवी कैमरा लगा है तो चालू है कि नहीं है, ताकि इस वारदात का, घटना का खुलासा हो सके। कैमरामैन से कहेंगे कि सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटो भी दिखाया जाए। पब्लिक का जमावड़ा यहाँ बहुत लगा हुआ है, परंतु प्रशासन थोड़ा सा पब्लिक से दूर हट के शिनाख्त कर रही है और जांच कर रही है कि किस हथियार से ये वारदात हुआ है। साथ